पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस कोशिश करती हूँ अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, तो बस पूरी कोशिश रहती है, अब पता नहीं अच्छा बनता है या नहीं बनता, तो चलिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज संडे को फन डे बनाने के लिए मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। तो हर संडे को मैं स्पेशल बनाती हूँ, या कहीं घूमने जाते हैं या अम्मी के जाते हूँ। और यहाँ गली में भुट्टे वाला खड़ा हुआ था, मैंने सोचा खाते पीते भुट्टा जाएंगे, आज मूड हुआ भुट्टा खाने का, पता नहीं क्यों। और हाँ, आज मैं जाने वाली हूँ मेट्रो से, काफ़ी टाइम बाद मेट्रो में बैठने वाले हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया था, धूप नहीं थी, मतलब घमस था, धूप नहीं थी। और ये बस पहाड़ का व्यू है, ये मैं देखती ही जा रही थी, बहुत अच्छा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं, सबसे अलग अच्छा सा फीलिंग आ रही थी। बस पहाड़ का व्यू देखते देखते मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कब मैं अम्मी के घर पहुंची मेट्रो से मुझे पता ही नहीं चला, बस देखते देखते सोचते सोचते कब सफ़र पूरा हुआ पता नहीं, बस ऐसा लग रहा था कहीं दूर जा रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फैसल में बैठे हैं। और बस कश्मीरी केस से हमें चेंज करना होता है, तो कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी। तो हमने यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी ली, नेस्कैफे की ली थी, तो इन्होंने कैन वाला दे दिया था। मैंने बोला भाई भैया ये वाला नहीं, मुझे स्टोव वाला दो। क्या बात है, 75 की थी, इतनी महंगी, तो वही उतना ही हिसाब था सब कुछ, मैंने स्टोव वाली दे दो। तो फैसल ने अपनी थम्सअप ली थी हमेशा की तरह, और जी मैंने इनके पीछे से बना ली थी वीडियो, नहीं बनवाते नहीं है ना। और यहाँ मैं डर रही हूँ कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ वीडियो के चक्कर में। बस पीते पीते हम लोग निकल गए, दोबारा से मेट्रो चेंज कर ली थी। और यहाँ मैं फैसल से बोल रही हूँ चलो थोड़ी सी मेरी वीडियो बनाओ, लेकिन वीडियो जैसे ही मैं चाह रही थी ना वैसे ही बन नहीं पाई, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम बाद में मेट्रो में सफ़र करा है और मज़ा ही आ गया, घूम कर इंजॉय कर लिया, साथ में कॉल को भी अब निकलेंगे हम बाहर। बहुत टाइम बाद और सही है, मतलब धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर दिल्ली में। तो मैं ना आ रही हूँ, घर आके बात करती हूँ, ठीक है। जैसे ही अम्मी के घर पहुँची, यहाँ हमारी सबूरा सो रही थी, तो हम बहुत शांत शांत रहे। उसके बाद मैंने बनाई थी लस्सी, तो वहाँ जाके मतलब खाना वगैरह खा के लस्सी पी थी, मज़ा ही आ गया था। और गमस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी धूप नहीं थी लेकिन गर्मी गमस बहुत ज़्यादा था। तो भाई लस्सी मिल जाए इस मौके पर तो भैया मज़ा ही आ जाए। और फिर यहाँ सबूरा पता नहीं मुझसे शर्माती है, शर्मा के अपनी मम्मा के पीछे छुपती है। और यहाँ पापा और हमारे चाचा न्यूज़ देख रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इन दोनों की भी वीडियो डाल देती हूँ। और यह चाचा सबसे छोटे। और जी बस सफूरा को हमने लगा के दिया था मोबाइल में गाना, लकड़ी की काटी वो या खाडूंदा पता नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम इसको मोबाइल नहीं देते, इनके मम्मी पापा ने दी जानदार जान, तो दूर से ही साज दे दिया, क्योंकि आजकल के बच्चों की आँखें ना बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। तो बस लकड़ी की काटी जैसी गाना है, मैंने आवाज़ बंद कर दी इसलिए इसके हमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो इन्होंने अपना जल्दी से घोड़ा निकाला, उस पर बैठ गई मज़े से। फिर पसंद किए बहुत बुरी पसंद है आपकी, बहुत बुरी पसंद है। ठीक है बढ़िया, वेलकम बैक। तो जी अभी शाम हो गई है और बस हमने खाया था, हमने लस्सी पी ली, बिल्कुल खुली हो गए हम लोग। और ये अली है जो है सपूरा के साथ खेल रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। कहाँ दिखाओ सपूरा, सपूरा आप उल्टी को बैठी हो, उल्टा क्यों बैठा बच्चा। और मैं अपने नन्नू भाई से भी आपको मिलवाती हूँ जब भी। अच्छा ये किसी भी, जब कोई पिंजरे के पास आता है ना तो ये ना चीखता है, और मैं आती हूँ ना तो फौरन से आ जाता है इस पे। भाई क्यूट सी किसी करता है, अभी सरक सरक के इधर आ जाएगा मेरे पास और देखो भी क्या करेगा। तो जी फिर रात का खाना खाया हमने, पता है क्या, अम्मी ने बहुत टेस्टी सीख कबाब बनाए थे, बहुत ज़्यादा ही अम्मी थे। और जियान की फेवरेट नहारी और कलेजी बिरयानी हमने दोपहर को ही खा ली थी। यहाँ मैंने सबूरों को अपनी गोद में बिठा लिया था कि मेरी गोद में वीडियो बनाओ, मेरे पास आती ही नहीं है पता नहीं क्यों, मतलब
शर्माती है मेरे से पता नहीं क्यों। बस फिर खाना खाया, चाय पी और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। यहाँ जयान ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं मुझे यहीं मतलब इसको यहीं रुकना था नानी के घर में, और जो सोनी की एक्टिंग कर रहे थे वो हंस रहे हैं इनको और पापा मारेंगे। बस नानी के घर ही तो होता है कि जो भैया बहुत बचपन होता है नानी के घर में बहुत यादगार होता है। बस हमने ऑटो कर लिया था, ऑटो में बैठ गए, यहाँ लाइटिंग थी ऑटो में तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, साथ में गाने भी बज रहे थे। फिर घर पर आए तो लंच बॉक्स इनके आए थे, तो ये मैंने मतलब मंगवाए थे ऑनलाइन ही, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जी बस फिर क्या, तो जी मैं आ गई हूँ घर पर और आती हूँ सबसे पहले आती हूँ किचन में क्योंकि अब वो खाना लेना होता है, अब भूख लग रही होती है। तो बस 10:30 बज गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो बस खाना देती हूँ। और छोटा सा मिनी ब्लॉग था, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस कोशिश करती हूँ अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, तो बस पूरी कोशिश रहती है, अब पता नहीं अच्छा बनता है या नहीं बनता। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।